सोलन में लॉकडाउन के चलते नशे का व्यापार बेहद कम हो गया था, लेकिन अनलॉक होते ही अब धीरे धीरे फिर से नशा तस्कर फिर से सोलन में सक्रिय हो गए हैं। चिट्टे का काला कारोबार करने वालों ने अपना नेटवर्क फिर से बिछाना आरंभ कर दिया है, लेकिन सोलन पुलिस ने जो अभियान नशे का नाश करने के लिए चलाया था वह अभी भी जारी है। सोलन पुलिस ने फिर से आसपास के सभी क्षेत्रों में अपने गुप्तचर फिर से सक्रिय कर दिए हैं। ये खबरी जैसे ही कोई व्यक्ति नशा लेकर उसका व्यापार करना चाहता है उसकी खबर पुलिस तक पहुंचा देता है और कुछ ही समय बाद नशा तस्कर को सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। ऐसा ही मामला सोलन में आया है, जिसमें पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो युवकों से भारी मात्रा में चिट्टा बरामद किया है। अधिक जानकारी देते हुए डीएसपी रमेश शर्मा ने बताया कि नशे के विरुद्ध उनका अभियान जारी है, जिसके तहत एसआईयू की टीम ने दो युवकों को गाड़ी समेत गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 37.46 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। ये दोनों युवक शिमला के रहने वाले हैं। दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि दोनों युवकों से ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ये दोनों युवक इतनी भारी मात्रा में चिट्टे की खेप कहाँ से लेकर आए थे और ये खेप आगे किसे बेची जानी थी। ये जैसा आपको मालूम है कि सोलन पुलिस का जो अभियान है वो नशे के विरुद्ध लगातार चला हुआ है। उसी अभियान के अंतर्गत एसआईयू टीम ने एक गाड़ी HP 52A 8207 में दो युवकों को 37.46 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। ये दोनों युवक शिमला जिला के रहने वाले हैं और इनके पास से ये काफ़ी समय के बाद जो है इतनी भारी मात्रा में चिट्टा बरामद किया है। दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामला जो है थाना धर्मपुर में पंजीकृत किया गया है और मामले का आगामी अन्वेषण किया जा रहा है, जिसमें ये पता लगाया जा रहा है कि ये कहाँ से ये चिट्टा लेकर आए हैं, इस बात की जांच की जा रही है। अभी तक क्योंकि ये दोनों युवक शिमला जिले से संबंधित है तो इस बात की भी तस्दीक की जा रही है, शिमला जिले से संपर्क किया गया है कि क्या ये पहले कहीं इस तरह की गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं, तो उसकी भी जांच की जा रही है।